नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खे YouTube चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारी स्किन चमकदार हो, निखरी हुई हो, त्वचा हो, खिलता चमकता चेहरा, चेहरे की स्किन हो, तो अपने आप ही सुंदर नजर आते हैं आप और गोरापन दूर से नजर आने लगता है। लेकिन अगर यह खुशखबरी गायब हो जाती है, खूबसूरती गायब हो जाती है, तो हमारे लिए परेशानी बढ़ जाती है और हम चेहरे को साफ और गोरा बनाने के लिए उपाय शुरू कर देते हैं। इसके लिए हम स्किन पर क्रीम लगाना शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हमारी स्किन गोरी है तो हमारी स्किन केयर रूटीन पर डिपेंड भी करती है। और कैसी रूटीन और स्टेप्स से आप अपनी स्किन को सॉफ्ट बना सकते हैं जिससे आपकी स्किन गोरी नजर आए और हमारी स्किन और ज्यादा खूबसूरत हो जाए, तो चलिए आज इसके बारे में हम बात करते हैं कि आपकी स्किन कैसे खूबसूरत, सुंदर और गोरी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि नई नोटिफिकेशन के साथ आपको नई वीडियो का पता चल सके। दोस्तों, हमारे घर में अनेक प्रकार की रेमेडी है जो स्किन को गोरा कर सकती है नेचुरल तरीके से, और इनको यूज करना भी इजी होता है और आपको आसानी से गोरी स्किन पास मिल सकती है। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहली चीज जो आपको लेनी है, उससे पहले आप सोने से पहले अपने मेकअप को फेस से रिमूव करना जरूरी है जो आपकी स्किन को क्लियर रखेगा। इसके लिए आप अपने फेस पर कोकोनट हेयर ऑयल लगाकर उसे 5 मिनट के लिए मसाज करें और थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें, और 5 मिनट रखने के बाद इसे टिश्यू पेपर से मेकअप को क्लीन करके अपने फेस को साफ कर लें। दोस्तों, अब आप अपने फेस को फेस वॉश से क्लीन करेंगे। इसके लिए आप 2 चम्मच हनी, 1 चम्मच रोज वाटर, 1 चम्मच एलोवेरा जेल लेकर इनको अच्छी प्रकार से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद फेस पर लगाकर 5 मिनट के लिए मसाज करें और 5 मिनट के लिए फेस पर लगे रहने दें और 5 मिनट बाद फेस को वॉश कर लें। क्योंकि दोस्तों, सबसे पहली चीज जो है हनी, क्योंकि हनी में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है जो स्किन को डीपली क्लीन करता है और एक्ने या पिगमेंटेशन की समस्या को भी दूर रखता है। साथ ही एंटी एजिंग का सबसे बड़ा हेल्पफुल इंग्रेडिएंट है और एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है। दोस्तों, अगला इंग्रेडिएंट है रोज वाटर। गुलाब जल आपके स्किन के पोर्स को डीपली क्लीन करके स्किन के टिश्यूज को हेल्दी बनाता है, उनको इन्फेक्शन से दूर रखता है जिसके कारण स्किन एक्ने पिंपल्स की समस्या आपकी स्किन से दूर रहती है। इसलिए गुलाब जल आपकी स्किन को क्लियर और स्किन डिजीज से दूर रखने में बहुत बड़ी हेल्पफुल भूमिका निभाता है। इसके साथ साथ अगला इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल। आपकी स्किन को भरपूर मात्रा में प्रोटीन प्रोवाइड करवाता है और मॉइस्चराइजर भी देता है ताकि स्किन ड्राई ना हो और स्किन सॉफ्ट और शाइनी बनी रहे और स्किन एक्सफोलिएट करने लगती है। दोस्तों, इस पेस्ट को फेस पर लगाकर 10 से 15 मिनट तक अपने फेस पर लगे रहने दें और उसके बाद इस फेस को अपने नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। रात के समय अपनी स्किन आपकी स्किन ज़्यादा रिलैक्स फील करती है और स्किन को रेजुविनेट होने में हेल्प करता है जिससे आपकी स्किन और आपका फेस चमकता दमकता गोरा नजर आता है, फेस खिला खिला रहता है और स्किन फेयर तथा ग्लोइंग नजर आती है। तो दोस्तों, ये था आज का नुस्खा जिसको करके आप अपने स्किन को गोरा निखरा बना सकते हैं और सुंदर स्किन पाने का यह सबसे असरदार उपाय है जिसको आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कल फिर मैं कुछ नए नुस्खे नए उपाय लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।